लिविंग रिलेशनशिप क्या होता है? देश बदल रहा है। ये बिल्कुल सही है। तो बिन फेरे हम तेरे वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा वीक है। आई एम हर्ट नाउ। वाह, गुड क्वेश्चन इन लाइफ। दूते-वूते पढ़वाओगी? अरे बस करो यार। अब अगर आप 21 साल से कम उम्र के हैं और लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा और अपने पेरेंट्स को बताना होगा, वरना आपको अब जेल भी हो सकती है। ये कहां कहां लागू है और क्या क्लॉजेस हैं वो इस वीडियो में आगे जानेंगे, पर उससे पहले ये देखिए कि इसे सुनकर लोगों ने कैसे रिएक्ट किया। अब मेरे को लगता है कि मतलब पार्टनर्स जो है वो अपनी कंपैटिबिलिटी चेक कर सकते हैं लिव इन रिलेशनशिप में रह करके, उनको पता चल सकता है कि मतलब वो कितने कंपैटिबल है, तो फ्यूचर में मतलब उनके लिए रहना काफ़ी ईजी हो जाएगा। जिसका बॉयफ्रेंड नहीं होता उससे सवाल नहीं किए जाते, सो प्लीज़ आई एम हर्ट नाउ। और अभी मैं अरेंज मैरिज ही करूँगी तो लिव इन रिलेशनशिप का कोई पॉइंट नहीं है। मेरी मम्मी मेरी वीडियो देख रही होंगी, प्लीज़ आप गाली खिलवाओगे। जो जिसको जैसा ठीक लगे वैसा कर सकता है, वैसे अगर पूछा जाए तो ये चीज़ गलत है। आई डोंट थिंक दैट देयर इज एनीथिंग नोन एज सपोर्ट और नॉट सपोर्टिंग, इट्स अ चॉइस। इफ अ पर्सन एंड क्वाइट फ्रैंकली आई सी इट एज अ ट्रायल पीरियड एंड व्हाई नॉट। अगर लिविंग में रह के आपको लगता है कि आप अपने पार्टनर को अच्छे से पहचान सकते हो, जान सकते हो और शादी कर सकते हो आगे या फ्यूचर देख सकते हो, तो फिर ये सही है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, एक के साथ लिविंग में रह लिए नहीं चला, फिर दूसरे के साथ भी रह लिए, तीसरे के साथ भी रह लिए, फिर तो ये बकवास चीज़ है। अगर दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे ख्याल से कोई भी कपल जब लिव इन में रहता है तो उनके पेरेंट्स को पता होना चाहिए फॉर सेफर साइड। आई बिलीव 21 की एज से पहले तो इट्स बिग नो, सो दिस इज द राइट डिसीजन। उस एज में हम इतने मैच्योर नहीं होते यू नो टू मेक ऑल दोज डिसीजंस फॉर आवरसेल्व्स, बट हाँ हम रहना चाहिए इज अ डिफरेंट थिंग। बट पेरेंट्स मना कर दें तो उन्हें समझाना चाहिए आई गेस कि हम इतने मैच्योर हैं कि हम रह सकते हैं। लॉ कहाँ मानता है, देश का युवा नहीं मानता लॉ, तो ये भी कहते हैं कि लाल बत्ती नहीं तोड़नी चाहिए फिर भी तोड़ देता है। तो मेरे ख्याल से लॉ वो आ जाए, कुछ भी आ जाए, पर सपोर्ट करना चाहिए। अगर ऐसा लॉ आ रहा है तो बिल्कुल गलत है, सपोर्ट करना चाहिए, युवाओं को खुश रखना चाहिए सरकार को। शादी करने से पहले मेरे को लगता है कि पार्टनर्स को एक दूसरे को समझ लेना चाहिए, तो मतलब किसी भी रिलेशन में अगर अंडरस्टैंडिंग ना हो तो फिर वो शादी भी आगे, आजकल जैसे डिवोर्स रेट्स भी काफ़ी बढ़ रहे हैं, तो इसीलिए मैं सोचता हूँ कि लिविंग रिलेशन में एक बार इंसान को पहले रह के देख लेना चाहिए कि दोनों कंपैटिबल हैं एक दूसरे के लिए या नहीं। नो नॉट एट ऑल, नहीं करता भाई। आई डोंट थिंक देयर इज एनी पॉइंट, कोई फ्यूचर नहीं है, मिजरेबल लाइफ। 21 ईयर्स के नीचे वालों को लेनी चाहिए इजाज़त, 21 के ऊपर आपको अडल्ट माना जाता है, अडल्ट लोगों के पास अपना दिमाग है, अपना सब कुछ मैनेज कर सकते हैं अगर वो कुछ गलत करते हैं, इसलिए उनको कंसेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, अगर आप 21 के नीचे हैं तो ले लीजिए, इसमें बुरा क्या है। आई थिंक इट इज़ कम्प्लीटली फाइन फॉर टू कंसेंशुअल पीपल टू एक्चुअली लिव टुगेदर, व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ ऐसे सेइंग नो टू इट। एज फार एज आई एम कंसर्न्ड, आई डू नॉट सपोर्ट द लिव इन रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, और बाकी कानून आता है क्या आता है वो तो वक्त की कैद में है, भविष्य के गर्भ में है। इट्स अ डबल एज्ड स्वॉर्ड टू स्टार्ट विद, प्रोवाइडेड द लीगल सिनेरियो इन द कंट्री राइट नाउ एंड एवरीथिंग एल्स गोइंग ऑन, द सेफ्टी फैक्टर इज देयर, बट अगेन द कंसेंट फैक्टर इज ऑल्सो देयर, सो ऑल फैक्टर्स कंसिडर्ड, इट्स अपॉन द टू पीपल हु डिसाइड टू लिव इन टुगेदर, नोबडी एल्सस बिजनेस। हाँ, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि 21 ईयर्स तक मेरे को नहीं लगता कि कोई भी लड़का या लड़की इतने मैच्योर होते हैं खुद के लिए सोचने के लिए कि वो लिव इन के लिए मतलब सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, तो एक बार पूछ लेना चाहिए अपने से बड़ों को। ऐसे लॉज आने चाहिए क्योंकि पेरेंट्स का कंसर्न भी बहुत मैटर करता है, एंड एज अ कपल अगर पेरेंट्स के अप्रूवल आपको मिलती है तो वो भी बहुत अच्छा है सोसाइटी के लिए, और ऐसे लॉज अच्छे हैं मतलब आने चाहिए। शादियाँ, इससे पहले जो शादियाँ होती थी आज से 10 20 साल 50 साल 100 साल पहले, वो बहुत सक्सेसफुल रहती थी, उनका मतलब कभी तलाक या इस तरह की चीज़ें नहीं होती थी। वो यही चीज़ थी कि जिसे देखो उससे प्यार करो, उसी के साथ ज़िंदगी काट लो। ऑल द कपल्स, कॉलेज कपल्स या यूनिवर्सिटी कपल्स हु आर इन लिविंग रिलेशनशिप इन सिटीज इन अर्बन एरियाज, दे नीड टू रजिस्टर देमसेल्व्स। It in a way will prevent crimes in society. अगर हमें डेवलपिंग नेशन की हम बात करते हैं, डेवलप ऐसे ही होगा भारत देश हमारा, लिव इन रिलेशनशिप को बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए। I mean, they have their age of giving consent themselves, so I don't think they need to ask their parents about this, but
I mean, given their age itself, 21 is not a very mature age. You can make reckless decisions. So there are two ways of coming out of this. You can either make a wrong decision and then learn from it, or you can actually consult your parents or anyone else you trust and then come up with an actually good decision that might save you from some heartbreak or something else. Shaadi is like ki aapko shaadi karke aap saath rahoge, wo cheez aap pehle hi reh rahe ho, to fir shaadi aur usme fark kya hai? To mujhe lagta hai ki live-in theek nahi hai. Uttarakhand ki state assembly mein ek bill pesh hua jisme 21 saal se कम एज वालों को लिव इन रिलेशनशिप में रहना है तो अपने माँ बाप को बताना और वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी कर दिया है, वरना 6 महीने की जेल या 25,000 का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। इसी रसीद के आधार पर वो कपल किराए पर घर, हॉस्टल या पीजी ले सकते हैं। इस पर आपका क्या सोचना है हमें कॉमेंट करके जरूर बताइए।